हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में। के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि पूजा और अक्की के बीच एक बार फिर से सुलह होती है और पार्टी, दोनों की एनिवर्सरी होती है तो पार्टी प्लान की जाती है। कॉलेज से पूजा अपने घर चली जाती है अक्की को बोल के कि मैं रेडी होके आऊँगी, और अक्की अपने घर जाती है। थोड़ी देर बाद अक्की, जॉर्डन, बाकी के सारे फ्रेंड्स दोबारा से उसी होटल में मिलते हैं और पूजा थोड़ी देर बाद आती है। वो अंदर आती है तो जब चारों तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। जॉर्डन की तरफ देखती है और कहती है, इतनी सारी अरेंजमेंट किसने की? तो जॉर्डन कहती है, अक्की ने। तो इधर उधर निगाहें दौड़ाती है, जॉर्डन की तरफ देख के पूछती है कि वो कहाँ है। तो अक्की जो है, जॉर्डन कुछ नहीं बोलती, तो वो दोबारा से कहती है, कहाँ है? तो जॉर्डन कहती है, आई डोंट नो। ये क्या बात होती है यार, यू डोंट नो, कहाँ है बताओ ना, तुम्हें पता है प्लीज़ बताओ कहाँ है। तभी रेस्टोरेंट्स की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और एक लाइट जलती है जो सीधे पूजा को हाईलाइट कर रही होती है, सिर्फ पूजा के ऊपर होती है। पूजा अपने चारों तरफ देखती है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी सामने से एक गिटार की आवाज़ प्ले होती है और धीरे धीरे एक सॉन्ग स्टार्ट होता है। सॉन्ग की लाइनें कुछ ऐसे होती हैं कि वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना मेरा साथ, ओ हम नवा। और पूजा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है, वो अक्की को देख के मुस्कुरा रही होती है। जॉर्डन बाकी फ्रेंड्स साइड में खड़े होते हैं, डिम डिम लाइट्स जल रही होती है और पूजा और अक्की एक दूसरे को बड़ी, मतलब जो इंटेंस नज़रें होती हैं ना, वो अलग ही होती है। दोनों एक दूसरे को, मतलब ऐसा लग रहा था आज अपने अंदर समा लेंगे। तभी वो दोबारा से गाना गाते हैं कि आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा,
आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह कि बारिश में शोला धड़कने लगा। और ये क्या कि गाना ख़त्म होता है, वो अपना गिटार साइड में रखती है और बड़े प्यार से पूजा को देखती है। पूजा उसके पास आती है, उसके बाद अक्की कहती है, पूजा मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। पूजा उसे शॉक्ड होकर देखती है, कहती है तुम्हें याद था, कहती है तुम्हारा बर्थडे भूल सकती हूँ, बर्थडे के दिन ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था। तो पूजा कहती है कि तुमने फिर मुझे कल रात से विश क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है मैं 12 बजे से वेट कर, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, और मैं चाहती थी कि हमारे बीच सब कुछ शॉर्ट आउट हो, तब मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। पूजा मैं जानती हूँ कि तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि मैं कैसी हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाती, ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं, मैं खुल के अपनी बातों का इजहार नहीं कर सकती हूँ, मुझे अजीब लगता है बातों का इजहार करते हुए, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें बिना कहे समझ जानी चाहिए, मुझे हर बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमसे, शायद मैं गलत हूँ, मेरा इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना शायद ठीक नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी कभी जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मैं मनाने की जगह मैं लटको कर देती हूँ कि ठीक है तुम्हें शायद थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। मुझे लगता है रिश्ते में एक स्पेस का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हर वक्त किसी से चिपके रहेंगे ना तो शायद वो इरिटेशन और बढ़ती रहेगी। आई डोंट नो कि ऐसा सच में होता है कि नहीं, मेरा ये फर्स्ट रिलेशनशिप है पूजा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और बहुत किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस रिलेशनशिप को कैसे टैकल करना है कैसे नहीं, बट मैं जहाँ तक कोशिश कर पाती हूँ मैं करती हूँ। मेरी कोई भी बात अगर कभी तुम्हें बुरी लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि तुम बस आके एक बार मुझसे कह देना, मुझसे बात कर लेना, मुझे हर एक चीज़ क्लियर कर लेना, इस तरह इग्नोर मत करना प्लीज़। तुम्हारी इग्नोरेंस मुझे अंदर से तोड़ देती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे सच में नहीं पता ये रिलेशनशिप कैसे निभाया जाएगा, मैं तुम्हारे हर एक बात मानने को तैयार हूँ, बस इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरा साथ दे देना, कभी मैं गिरूं तो तुम संभाल लेना, कभी तुम गिरी तो तुम्हें मैं संभाल लूँगी, कभी मुझसे गलती हो तो तुम डांट के फटकार के गुस्सा दिखा के उसे सुधार देना प्लीज़। आई रियली लव यू। तो सब कुछ सुनने के बाद पूजा के होठों के स्माइल जा ही नहीं रही होती,
थोड़ी देर में आके अपना माइक साइड में रखती है और नीचे घुटनों के बल बैठती है। एक रिंग निकालती है अपने पॉकेट से और पूजा को देते हुए कहती है कि क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी, क्या तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, मेरे हर दर्द मेरे हर दुख में क्या तुम मरहम बन के मेरे पास आओगी, क्या कभी मैं टूट जाऊं या मुझसे कोई खता हो जाए तो क्या मुझे गले से लगाओगी, क्या मुझे माफ कर पाओगे। तो पूजा उसके हाथ से रिंग पहनती और उसे उठा के अपने गले से लगाती और कहती है जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, आई प्रॉमिस यू जिंदगी भर। तो जॉर्डन और उसके बाकी के फ्रेंड्स पूजा के पास आके कहते हैं अगर ये रोमांस अब ख़त्म हो गया हो तो हम पार्टी शुरू करें, तुम्हारे ये रोमांस के चक्कर में रेस्टोरेंट वालों ने अपनी बाकी की चीज़ें बंद कर रखी हैं। उस रेस्टोरेंट में एक तरफ इस तरह का माहौल होता है और दूसरे एरिया में क्लब होता है। तो अक्की के और जॉर्डन के बहुत रिक्वेस्ट करने पे क्लब को भी थोड़ी देर के लिए वहाँ के साउंड्स को भी एकदम कम कर दिया गया होता है। पूजा बहुत खुश होती है, उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार हाउ रोमांटिक चीज़ सीरियसली। तो पूजा कहती है वो तो है। तो उसके फ्रेंड कहती है अगर पूजा तेरी गर्लफ्रेंड ना होती ना कसम से मैं से प्रपोज कर देती। पूजा कहती है अपनी निगाहें संभाल के रखो, अक्की सिर्फ मेरी है। अक्की हंसती है और कहती है चले केक वेट कर रहा है एंड हैप्पी एनिवर्सरी। तो पूजा भी उसे कहती है हैप्पी एनिवर्सरी। ये लोग केक के पास आते हैं, केक कट करते हैं। अक्की को अजीब सा महसूस होता है, वो इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ाती है। पूजा कहती है क्या हुआ, अक्की कहती है कुछ नहीं। अक्की मन ही मन कहती है पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है, कौन है और मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जब जब ऑलमोस्ट मैं पूजा के साथ कॉलेज में होती हूँ तब भी मुझे ऐसा ही कुछ फील होता है, कहीं मेरा वहम तो नहीं है, शायद हो सकता है मेरा वहम हो। ये कह के पूजा से झटकती और कहती है कहाँ किस ख्याल में खोई हुई हो। पूजा कहती है कुछ नहीं। ये लोग केक कटिंग करते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें होने लगती है। उधर क्लब में गाना स्टार्ट हो जाता है, डांस वगैरह। पूजा के कुछ मेल फ्रेंड्स भी होते हैं तो कहते हैं यार देख हमने तो अपने लिए लड़की बुलाई है स्टेप डांस के लिए, वो हमारे लिए डांस करेगी तो हम तो जा रहे हैं क्लब में, तुम लोगों को चलना है। तो सब अक्की की तरफ देखते हैं तो अक्की कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो पूजा कहती है चलो ना यार सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी के उसके फ्रेंड्स कहते हैं देखो ये सूखी शादी पार्टी हमसे तो होगी नहीं और तुमने ये इतना कोना चुना हुआ है ना कि पूजा के लिए ये रोमांटिक डेट के लिए ये अकेले में होता है, अभी हम सब साथ में हैं तो हम पार्टी तो करेंगे और पूजा के और भी फ्रेंड्स आने वाले हैं वो सब उधर ही आएंगे, चलो चलते हैं। बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद पूजा को लोग वहाँ से खींच के ले आते हैं, पूजा और अक्की दोनों को यहाँ आते हैं और बैठते हैं। यहाँ का माहौल शोर शराबा अक्की को थोड़ा कम पसंद आ रहा होता है लेकिन पूजा की खुशी के लिए वो एडजस्ट कर रही होती है। होता है भाई किसी को शोर शराबा या धुमचक दैन दिन चक पसंद नहीं होता, मुझे भी बहुत कम पसंद है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।